दोस्तों ये है मकई, जिसे हम जनहरी भी बोलते हैं। ये है स्वीट कॉर्न। दोस्तों इसे खाने में बड़ा मज़ा आता है। इसे बनाने का तरीका मैं बताता हूँ। दोस्तों ये एक बॉयलर है जिसमें पानी को बॉयल किया जाता है और उसके ऊपर ये छन्नी लगी है जाली, जिसमें स्वीट कॉर्न हाफ के ज़रिए पकता है। और ये हम अपने खेतों से जो आया हुआ कच्चा जो होता है, जिसे हम भून कर खाते हैं, उन्हें हम बीजों को निकाल के और किसी भी जालीदार बर्तन में रख के और नीचे पानी डाल के उसे उबाल सकते हैं भाप के ज़रिए। और किसी भी इस तरह के बर्तन में इसे मिला सकते हैं। ये जब उबल जाए, दाना नरम हो जाए, तो हम इसमें नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और हो सके तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल के, और उसमें थोड़ा सा ये बटर है, बटर या चीज़ दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। उसको मिक्स करें और ये दोस्तों ये बहुत टेस्टी होता है। एक बार आजमा करके देखिए आप, आपको पसंद आएगा। एक छोटी सी रेसिपी है ये, आप नाश्ते के तौर पे शाम में या किसी टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। जल्दी और आसानी से तैयार होने वाले। आपको करना क्या होगा, आप स्वीट कॉर्न को निकाल करके उनके बीजों को, जिसे हम भूनते हैं, याद रखिएगा सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, जो हम आग में भूज के खाते हैं ना, उनको निकाल करके, ये देखिए ये बिल्कुल कच्चे होते हैं, उनको निकाल करके आप फ्रीज़र में डाल दें। और जब भी आपको मन करे खाने का, पानी में इसको पानी रखें उबलने के लिए, उस पर छन्नी रख के इसको ढक दीजिए। नीचे पानी है दोस्तों, नीचे पानी है पूरा, जिससे इसको भाप मिल रही है। दोस्तों ये रेसिपी उमान में बहुत खाई जाती है, इसलिए मैंने सोचा आपको भी शेयर कर दूं। हमारे इंडियन पाकिस्तानी भाई जो हैं, इन्हें एक बार आजमा करके देखिए, खा करके देखिए, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।